और यहाँ पर थी हमारी सोने की व्यवस्था। बहुत कोशिश कर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और दिन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 6 और नहा धो के हम आ चुके हैं ऊपर ग्राउंड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली छा रही है और सुबह की शुरुआत आज हो रही है हमारी अनौल से। और दोस्तों यहाँ पर है पार्किंग की व्यवस्था और गाड़ियाँ लाइन वाइज लगी हुई है सिस्टम से। और अभी हम चाय चुई पियेंगे यहाँ पर और उसके बाद मंदिर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर नाश्ता करने के लिए ग्राउंड के साथ में ही स्टॉल लगा है और आप यहाँ पर चाय पी सकते हैं, बिस्कुट वगैरह भी कुछ खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, तो कब चुकी तुम्हारे तो और दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं सुबह सुबह का मंदिर का दृश्य। और जो ये पीछे वाला मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा लगाया गया मंदिर था पीछे वाला हिस्सा, जो कि सबसे पुराना मंदिर था। और इसके पत्थर जो ये मंदिर है वो पूरा भीम के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बाहुबली थे पांडवों में। और जो आगे वाला मंदिर है वो बाद में फिर समय के साथ किसी न किसी कारणवश फिर बनता गया। और सबसे पुराना मंदिर है ये पीछे वाला, जो कि पांडवों के समय बना हुआ है। तो दोस्तों आज अनौल में हमारा है दूसरा दिन और युवाओं ने अब सुबह सुबह जो रजमाइश की शुरुआत कर ली है दोबारा। और ये है निखिल शर्मा ठाणा से, और पहले ही भार तोलन में इन्होंने हाथ लगाया है 80 किलो के गोले को। और बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत 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 गजब, बहुत गजब, बहुत ही गजब। छांगे गुरु छांगे, जय हो जय हो जय हो। यहाँ पर लड़कियां भी जोर आजमाइश करती हुई, पहाड़ों की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ा भारी है पत्थर। जो बड़े वाला है उसका वेट है 80 kg और छोटे वाले का वेट है 40 kg। और इन्हें भीम के कंचे भी कहा जाता है। और आंटी जी की कोशिश ना ना, आंटी जी चख लोगे। बहुत अच्छे, बहुत गजब, बहुत गजब, वाह जी वाह, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। और यहाँ पर एक सच्चा भक्त कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत कोशिश कर ये देखिए मिस्टर पहाड़ी मिस्टर मोहित चौहान, जय हो मासु महाराज। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं मासु महाराज जी के प्रांगण में। धोरी धारू के राजा शंकर 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 शंकर
और दोस्तों ये है राज भाई और इन्होंने काफी अच्छी अभी गिटार बजाई थी हमारे लिए हमारी फरमाइश पे। कितने मिनट है भाई? ठीक है। और दोस्तों अब हमारा जाने का समय हो चुका है यहाँ से और अभी हम बैठे यहाँ पर एक स्टॉल पे, आप यहाँ देख सकते हैं, और चाय पी के अब हम पीछे हमारी गाड़ियाँ लगभग तैयार है और हम सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसके बाद हम पहुँचेंगे घर। और यहाँ का मैं एक बार आपको व्यू दिखाना चाहूंगा, कितनी सुंदरता है इन वादियों में, आप एक बार जरूर देखें। वीडियो नहीं है। और ये कलकल बहती टोंस नदी जिसके कि साथ चलते चलते हम पहुंचेंगे अपने घर तक। और बहुत लंबी नदी है ये, काफी दूर से बहकर आती है ये, और हसीन वादियों के बीच में बसा हुआ है अनोल। बोलो मासूम महाराज की। ये है दोस्तों पब्बर नदी जो कि टोंस नदी पे मिलती है त्यूनी के नजदीक। और दोस्तों अभी हम सफर कर रहे हैं NH 707 से और जो कि हटकोटी से लेके पौंटा सरिक तक है और इस हाईवे की लेंथ है 151 किलोमीटर। और अभी हम यहाँ पर 10-15 मिनट से खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर काम चला हुआ है और कुछ ही देर में हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और दोस्तों ये HRTC बस शिमला से हरिद्वार के लिए जा रही है और अब हम पहुंच चुके हैं तुनिया स्टेशन पर, जहां से कि आपकी एक रोड हिमाचल की तरफ निकलती है और इसी रोड से होकर हम अपने घर तक पहुंचेंगे। और यहां से हमारे जो गांव की दूरी है वो रह जाती है मात्र और मात्र 15-20 किलोमीटर और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने घर। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की बस स्टैंड पर और भगवान की दुआ से हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम आए हैं अभी मंदिर में और पीछे आप मंदिर का दृश्य देख सकते हैं, लाइटों से बिल्कुल चमक रहा है मंदिर। और कल यहां पर मासू महाराज जी आएंगे और अभी आज रात को हम यहां पर रात जागेंगे मासू महाराज जी के नाम की। तो अब खाना खुना खा के काफ़ी लोग यहाँ पर गांव वाले सभी आकर मिलकर बैठेंगे और काफ़ी देर रात तक जागेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।